पूरी सेवा हो रही है। एंड अभी हम जा रहे हैं, गेस करो कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पर सब्जी लेने के। सैडली मुझे जाना पड़ रहा है मामी के साथ। एंड ये रही स्कूटी की चाबी, चाबी साथ। और आ जाएंगे पहली बार स्कूटी पे सब्जी लेने। कुंजी का बैठेगी पीछे, मैं चलाऊंगी। ए देवी जी मैं चलाऊंगी, पहले कह दिया, मैं चलाऊंगी पहले कह दिया। गिरा विरा देगी क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हाँ तेरे को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं बैग टांग के आगे ले आऊंगी, देख ले सब्जी मैं अपने आप ले आऊंगी, ऐसे घूर घूर के मत देख। यही होता है जब लोगों को स्कूटी नहीं आती थी तो कुंजिका याद आती थी, अब आ गई तो कौन कुंजिका, कौन कुंजिका, मैं तो खुद ही चली जाऊंगी। गेट खोल ले फटाफट, मैं तो कह रही हूं खुद चली जाओ। तब मेरे को उठाया आपने, उठाया, मैं सो रही थी, उठाया तब मैं उठूं, नींद खराब थी, मैंने खुद जाऊं के रहूं। सोने का टाइम नहीं है, 5:30 बज रहे हैं, समझ गई, इसलिए हटाया तेरे को। नो वे, यस चल चल, मैं निकाल दूं, रुक जा, मुझे डर लग रहा है कहीं मामी छोड़ दे। ये क्या है भाई, ये क्या कैमरा, तो डर रही हूँ आज मैं जिंदा घर पे पहुंच पाऊंगी। ओ मामी साफ तो कर लिया करो, मैं तो बैठ गई, तो चुन्नी से कर दो आप, ना मेरी चुन्नी धोई रही है, बैठ जा, इतना गंदा, इतना अच्छा पजामा ना है तेरा, आप पे ही गया सारा। आई डोंट केयर, आई फोन बंद करेगा, अच्छा मुझे ही करना पड़ेगा गेट बंद। ये देखो यही होता है बेचारे बच्चों का काम, जब बड़ों को कुछ आता होता है तो वो कभी ये नहीं सोचता, कुछ एहसान ही नहीं है मेरे लिए तो। क्या पता है मेरे को बैंक खुला है, मामी है कि ट्रक को निकलने दो फिर जाएंगे, अब गाड़ी आ रही है मामी, गाड़ी को निकलने दो, पीछे इतनी सारी आ रही है उनको भी निकलने दो, साइड जाके बैठिए, हाथ तो होती है यार, ट्रक तो बड़ा ही होता है छोटे तो होते हैं। अब मेरी मामी मेरी बेइज्जती करा के आगे यहाँ पे सारे देख रहे हैं जो हमें जानते हैं, दे वे लाइक, एक अंकल तो कह भी रहे थे बेटा आपको स्कूटी चलानी नहीं आती क्या आपकी मामी है, मामी जोकिंग, मेरी मामी बहुत अच्छी स्कूटी चलाती है, पूरा मान जाएंगे। भैया 2 किलो कर दो, 2 किलो, ये 2 किलो लग रहे हैं आपको, और डालू, हाँ ये तो मेरे को भी पता है, 2 किलो कर दो फिर घड़े हो जाएंगे। गोलू खा रहा है लाल टमाटर, बड़े मजेदार, कैसा लगा, खाले खट्टा क्यों हो गया, मत मार यार बुआ को, मत मार, लाल टमाटर अब पूरा तो खा ले, सब्जी जो थी लाए थे वो धो दी और अब फ्रिज में रखेंगे, लाइट अभी आ नहीं रही तो फ्रिज में लाइट ऑन नहीं है, इस टोकरी में डाल देते हैं अभी तो सारी सब्जी, पर हम अखबार बिछा के डालते हैं ताकि नमी की वजह से खराब ना होए और गंदगी वगैरह सब अखबार के आ जाए, टोकरी भी खराब ना होए, और सारी सब्जी धो के रख रहे हैं ना, तो धो के और फिर सुखा के फिर रख रहे हैं, तो ये इससे ये होंगी कि ये साफ़ सुथरी भी रहेंगी। मिर्च को एक डब्बे में डाल देंगे लास्ट में, कल मैर कुछ का लेके आए थे खरीद के स्कूटी पे, बच्चे आज जा रहे हैं संडे को बाल कटवाने, दिखा भाई तेरे कितने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, गोलू को बुला और प्रिंस को बुला, कैसे अच्छी कटिंग करा के आनी है, कहाँ जा रहे हो बच्चे, देखो मेरे कितने बड़े बाल हो गए हैं, मैं बाल कटवाने जा रहा है, हाँ देखो कितने बड़े बाल, कैसी कटिंग कराएगा, स्टाइलिश, हाँ। अच्छे बाल कटवा के लाना बेबी, प्रॉमिस करो, मुर्गा नहीं यार, मुर्गी कटिंग अच्छी नहीं लगती, अब की बार अच्छी वाली कटिंग करके आने, राव साहब वाली कटिंग करा के आएगा, ठीक है तो जाओ, तो ठीक है बाय, आगे भाई आगे भाई, कटिंग कराई दिखा, युग तेरी, हाँ तो इनकी बार तो ठीक है तेरी, गोलू चाइनीज होता है, वाह गोलू की और भी अच्छी, आ भाई इधर,
देखा आगे के बाल छाएंगे ऊपर के थोड़े से और यार ऊपर की भी वो कराने चाहिए हल्की हल्की ट्रिमिंग हल्की सी ताकि बाल है ना नए वाले दिखे इसमें वो प्रिंस की कुछ प्रिंस का कुछ मुर्गा कटिंग कर दी भाई प्रिंस की कर दी शेर सिंह हमेशा या मुर्गा कटिंग ही करता है तो मुर्गा कटिंग करके लग गया खेलने और आज कैसी लगी खीर बहुत मस्त है ना है ना क्या खास बात है खीर में हमारी क्लास में ना आज दो बच्चे खीर लाए थे तेरे को कैसे लगी खीर अच्छी बहुत अच्छी कच्ची बहुत अच्छी चल मैं हो चुकी हूँ तैयार मैं जा रही हूँ अभी कुंजिका को छोड़ने हमारी शादी थी थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है बोलो चुप है तो अभी मैं जा रही हूँ कुंजिका को छोड़ने बंदी तैयार हो चुकी है मैं तैयार हुई आधे घंटे से बैठी हूँ और वो सेंट मार के आई है वो कितना गड़ा सेंट मार के आई है ज्यादा फिर अच्छा लगा तेरे को सेंट मेरे को तो बहुत गंदा लगा तो हम मैं तेरा कोई टीवी मैन बन गया था हमारी क्लास में ना बस मैथ्स वाली मैम सेंट मार के आती है मैथ वाली मैम सेंट मार के आती है अच्छी लगती है फिर अच्छी कुछ बात है ना कब तक तैयार होएगी उसकी चप्पल मैं बताऊँ कहाँ पड़ी उधर मैंने भी उसको बताया ही नहीं मैंने कहा अपने आप ढूंढेगी बंदी पर सुबह तो शायद हाँ परसों से पड़ी दो दिन से चप्पल बैठ के पीछे उधर कॉर्नर में पड़ी थी उस वाले कमरे में बंदी को पता ही नहीं कि मेरी चप्पल कहाँ है दो दिन से कभी मेरी कभी दीदी की ऐसे चप्पल पहने घूम रही है पर हम भी बता नहीं रहे हम भी पक्के वाले हैं बताएंगे नहीं इतनी जल्दी क्या चाहिए कंजिका देख कितना वो है इसको हम चप्पल दो दिन से नहीं बता रहे थे जल्दी एज प्रेम पार जाता है तेरा भी है ना इसको ये पता चल गया हमने कुंजिका को चप्पल नहीं बताया फिर ये मारेगी ना इनके जब सबसे ज्यादा फिर ये करेगा मम्मी ये नू करती है मम्मी वाली करती है अब याद आया और जिस चुन्नी से पूछ रहे दीदी वह जॉर्जेट की चुन्नी है उससे चश्मा साफ होगी सुती चुन्नी से करनी चाहिए पर क्या कर सकते इस लड़के को कुछ नहीं कर सकते अब उठेगी माता जी तीन पांच तो यही हो गए मैं क्यों वहां धूप में खड़ी हूँ तू तैयार ही नहीं हो क्या तो मैंने चप्पल ई भी तो पहननी है इतनी देर में मैं वहां बाहर बाहर खड़ी मिलूं तेरे को आई बड़ी तूने तो ऐसा सोच रखा है कि बस मैं धूप में जलती रहूं और ये सनस्क्रीन लोशन लगा के जाती है एक मास्टर जी बन गया आते ही मास्टर जी बन गया बेड पे कितने बच्चे बैठे हैं 15 बच्चे बैठे हैं उसमें एक प्रिंस भी है क्या उसको क्लास से बाहर निकालो निकालो आजा देवी भाई लड़की का क्या करें मानती नहीं है टाइम पे तो जाना ही नहीं होता जूते चप्पल पहनते हैं और ये क्या बिल्ली म्याऊं 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 हाँ क्या चाहिए तेरे को क्या चाहिए ये सारे दिन यहीं पे रहती है घर पे मैं ही निकालती स्कूटी ऐसे तो वो आएगी नहीं एक तो क्योंकि मुझे हेलमेट पहनना है हल्की सी बारिश आई थी फूल बड़े अच्छे खिल गए बारिश की वजह से वाह इधर तो कबाड़ा हो रखा है इस कबाड़े को मैं क्या दिखाऊँ आप सभी को गर्मी अब सर्दियाँ आ जाएंगी फिर सर्दियाँ सहन नहीं होंगी अब गर्मियाँ सहन नहीं होती क्या करें मौसम ही हमारा ऐसा है गर्मी होगी तो बोलते ठंड होगी तो बोलते ये स्कूटी रानी अब इसकी पहले तो सफाई करनी पड़ेगी ओ माय गॉड मैं चाबी क्या ले आई भाई साहब इतनी बड़ी गलती ए चाबी ले आई ये चाबी लाई हूँ मैं अब तो इसको बैग में डाल लूँगी कौन इतने अंदर जाएगा गेट वेट खोल लेती हूँ बहुत बड़ी गलती होगी लाइन में खड़ी है स्कूटी बाइक हम निकाले तो निकाले कहाँ से अब मेरे को एक बाइक को धक्का मारना पड़ेगा तब स्कूटी की जगह निकलेगी अब आई ये बंदे इतने लेट हैं अभी यहाँ पे स्कूटी की सफाई करें फिर गेट बंद करें
फिर उसके बाद ये हटाए, इसी में लग जाएंगे कई देर। सब लोग हम यही खत्म करते हैं। स्कूटी पे छोड़ आई थी उसको, अभी मेरे को लेने भी जाना है। कल मिलते हैं, तो मेरे को बाय बाय।